वो यही छुपा है, उसे ढूंढ कर मार डालो। जंगजुओ, मुझे तुम पर कभी भरोसा नहीं था कोनूर। मैं जानता था कि तुम हमें एक दिन धोखा दोगे। तुम भी हुक्म पर अमल करोगे फरमान, खंजर नीचे करो वरना बुरा होगा। वजीर आलम शाह तुम पर बहुत भरोसा करते हैं, उन्हें बहुत दुख होगा। किसी के पास इतना वक्त नहीं होता कि सही रास्ते का इंतखाब कर सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम पीछे हट रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। चलो उस्मान साहब को ढूंढते हैं। सबसे पहले उनके निशानात को ढूंढना होगा। कहां है निशानात? उन काफिरों से पहले हमें अपने सरदार को तलाश करना है। वो हमें एक साथ ना देख ले, हम नहीं जानते कि हम किसका सामना करने वाले हैं। ठीक कहा, सही कहते हो। तो जल्दी तुम अपने कपड़े पहनो और साथ चलो मेरे, जल्दी करो, चलते हैं। उस वजीर ने आपको यह हुक्म दिया है कि आप बगैर इजाजत दरगाह में दाखिल हों, इज्जत करना भूल गए? आप मुझसे क्या उम्मीद रखते हैं अक्षय दरवेश? आप ही थे वो जिसने मुझे मेरी मां की वफात की खबर दी थी। याद है कि क्या बताया था? लेकिन हकीकत तो यह है कि मंगोलों ने सऊद पर हमला उस्मान की वजह से किया था। अब और क्या क्या याद दिलाऊं मैं आपको? कुछ भी ना कहें गुंदूस साहब, कुछ ऐसा मत कहें जिस पर बाद में आपको पछताना पड़े। मैंने हमेशा यही चाहा कि आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। क्या आप जानते हैं ये बात? यहां पर लोगों को ज्ञातु ज़िबाह करना चाहता है, वो ये सब ना करे। उसे रोकने के लिए क्या कुछ किया है मैंने, आप नहीं जानते मोहतरम। मुझे शक की निगाह से ना देखें। बजाय इसके कि आप हमारी जानों की फिक्र करें और सालिम के आगे न झुकें, जिंदगी की खातिर गलत किस्म के लोगों पर एहसान करने की बजाय आपको हमारे साथ हक की राह में जिंदगी कुर्बान करनी चाहिए।
आपको लगता है कि मेरी नीयत सही नहीं है। मेरे इरादों को मेरा रब जरूर जानता है, लेकिन अगर आप इसरार करते रहे और मेरी बात को तस्लीम नहीं किया तो सऊद के अमन के लिए मुझे मजबूरन वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। अंदर आ सकती हूँ मेरे शेख? अब आप और क्या करेंगे गुंदू साहब? क्या आप मजीद बुरा बनने की कोशिश कर रहे हैं? अल्लाह मुझे सब्र अता फरमा, मुझे बताए बगैर आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब तक जो आप मशवरे के बगैर कर चुकी हैं ये आग सिर्फ उसी वजह से लगी है। आप कैसे भाई हैं कि हमारे दिलों की आग नहीं देख सकते? यही नहीं, हमें कसूरवार समझते हैं। मेरी दुआ है कि जल्द आपका जमीर जाग जाए। ताईजान कहाँ है? उनसे मिलना है। अम्मा आपको देखना भी नहीं चाहती। तो उसका शहंशाह के वापस जाने तक ही हमारा साथ देगा। बताओ ना, क्या जंग में भी हमारे साथ है? मैं उस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं हूं जो पुराने दुश्मनों पर मुश्तमिल है। मैं गवर्नर हूं, मेरे पास अब भी वफादार कमांडर हैं। दो कमांडर मतलब दो बड़ी फौजें। मैं उन्हें आपके साथ शामिल होने का हुक्म दूंगा। इस फैसले से पहले इस मुहिम को समझाए रोगतुस मेरे दोस्त। मैं तो जानता हूं और तुम भी समझ गए हो, लेकिन क्या तुम्हारे सिपाही समझेंगे? और क्या वो इसकी अहमियत को जान पाएंगे कि पहली बार वो तुर्कों के खिलाफ नहीं बल्कि उनके शाना बशाना लड़ेंगे? आप उन जवानों की बात कर रहे हैं जो मंगोलों के सामने हथियार डालने की बजाय मौत को तरजीह देते हैं। तुर्क के साथ इत्तेहाद करना हमारे लिए फखर की बात होगी। अब जाइए और उनकी वफादारी को यकीनी बनाइए। अगर उनकी तरफ से कोई गलत काम किया गया तो उसका हिसाब लूंगा। कुछ गलत नहीं होगा। हमारी जमीनों पर कब्जा करने की सजा मौत होगी। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होंगे। ये तो वक्त आएगा तो जान जाएंगे। पहले इस मुसीबत से निकलने के लिए कदम उठाना होगा। कोई आ रहा है, जाइए कमांडरों को तैयार कीजिए। रुको दोस्त, हिलना मत, बिल्कुल मत हिलना। हो सकता है कोई और जाल बिछाओ। की नजर तेज है, सही लम्हे देखा होगा, वरना तो जाओ रस्सी खोल दो जाके, ताकि पता चल सके कि ये लोग कौन हैं।
जिन्होंने उस दिन हमें बचाया था। और उस दिन हमारी हिफाजत की थी। हुजूर, बोरान, बोरान, हो गया हुजूर। मेरे हुजूर, मेरे भाई, ठीक तो हो ना? अल्लाह का शुक्र है सरदार। मेरे भाई क्या कर रहे हो? बताओ क्या वजह है यहां? मैंने सच देखा है उस्मान साहब, जो तुम पहले नहीं देख पा रहे थे। उस सच से रोशनास किसने करा? बताओ मुझे। वजीर की कोशिश थी कि खवातीन को मार डाले, लिहाजा तुमने चेहरा छुपाकर ख्वातीन की मदद की, ऐसा है? बताओ। अब से मैं भी आपका सिपाही हूं। कोनूर, हमारे यहां गर्म बिस्तर या गर्म खाना नहीं है। जैसा उस वजीर के यहां होता, ना कोई ओहदा है ना महल है कोई। हाँ, लेकिन हमारे पास एक चरवाहे का छोटा सा खैमा है यहां। मुश्किलों से दिल मजबूत होता है जनाब, आराम से खराब होता है। वादा है मैं आपके साथ हूं। जख्म मेरा भरा नहीं है, जानते हो? बताओ क्या करना चाहिए? शायद जख्म नहीं भर पाएगा जो मैंने दिया था। एक आम खबर लाया हूं आपके लिए। ज्ञातू को पता चला है कि निकोला तैफूरों को जंग के लिए उकसा रहा है। उसने मारने के लिए जंजू भेजे। वजह क्या है सब बताने की? वजह? मैंने सोचा कि मैं हक की राह पर हूं, लेकिन मैं बहुत गलत था। जबकि मैंने सोचा आप बागी हैं,
लेकिन आप जुल्म के खिलाफ लड़ने वाले निकले। सब बताओ जो जानते हो। क्या तू पर काबू पाना मुश्किल है, उससे मदद लेना गलती थी। वो एक आग की तरह है जो तेजी से फैलती है। वो उन जमीनों को किसी भी वक्त आग लगा सकता है। इसीलिए आप इतने बड़े ओहदे पर फाइज हैं कि हाथों की रस्सी को मजबूती से पकड़कर रखो। सरहदी जमीनों की तकदीर आपके हाथ में है, इसलिए हर तरीका जायज है। हम जो चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए अगर जरूरी हुआ तो पापा आजम के साथ इत्तेहाद करेंगे वजीर आलम शाह, ये जान लो। करेंगे, जरूर करेंगे वो जो हमें करना है। बड़े पादरी के साथ इत्तेहाद की बात कर रहा हूं। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये होगा उस्मान साहब। वजीर इतना चालाक होगा, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वो इतना खतरनाक हो सकता है। वजीर आलम शाह की गद्दारी का तस्वुर भी नहीं कर सकते तुम कोशिश। वो गद्दार जो एक जहरीला सांप है, वो कुछ भी कर सकता है ताकत और मर्तबा हासिल करने के लिए। आखिर किस वक्त मिल रहा है वो उससे? चंद बार मुलाकात हुई, मैंने सिर्फ एक बार उसका मुशाहिदा किया। आर्गुन खान ने गिहातू को तकरीबन 20,000 सिपाही भेजे हैं। तुर्कों की बगावत को रोकना उनके मकसद में शामिल है। मगर गिहातू और वजीर का मकसद हम तबाह बर्बाद करेंगे। क्या आपको लगता है कि निकोला को ये सब कुछ पता होगा और इसीलिए उसने तकफूरों को जमा किया? ऐसा नहीं लगता मुझे, ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। मगर वो सही काम कर रहा है। अगर तुम कह रहे हो कि तुमने हमें चुना तो जाओ और करीब रहो उस वजीर के हाथ से। तो मुझे मालूमात ला कर दोगे। तुम्हें इल्म होना चाहिए हर चीज का। जैसे आपका हुक्म जनाब। निकोला को गिहातू से हम लेंगे। उसे जान से मारने के लिए यही बात है ना उस्मान साहब? नहीं, निकोला अभी मुझे जिंदा चाहिए। इस सब का क्या मतलब है, समझाएं। उनको आपस में लड़ने दें। कितनी तकलीफों से गुजरी मेरी मारी और उसकी वजह निकोला, निकोला है सिर्फ। हुजूर, हमारे साथ होने वाले हर बुरे काम में वो मुलव्वज़ है, ऐसा मत करें। कर गुजरे उस्मान साहब। ये दल आपस में लड़कर और ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं, लेकिन उनमें से एक को पकड़कर आप अपने काबू में कर सकते हैं। मेरे पास बैठने के लिए कोई ओहदा नहीं है और ना उसे जीतने के लिए सिपाही है। दुश्मनों का एक खोलता हुआ हुजूम है, यही वजह है कि अपनी सरजमीनों की हिफाजत के लिए
निकोला मुझे अपने साथ चाहिए। रुको, गुस्सा काबू रखो और पुरसकून हो जाओ। उसकी एक एक हरकत याद है मुझे। हर जालिम अपने किए का हिसाब देगा। इंसाफ के कटहरे में आना होगा। हर मजलूम जैसे ही पीछे मुड़कर मदद तलब करेगा, हम होंगे उस वक्त उसके साथ। मैंने जो कह दिया वही आखिरी फैसला। ठीक है जनाब, आ जाओ। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आ जाओ। आपसे एक मेहमान मिलने आया है, उसे मिलना चाहेंगे? उसे अंदर भेज दो। ले आओ अंदर। खुश आमदीद। आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। सरदार ने आपको सलाम भेजा है और वो आपकी तबीयत को लेकर काफी परेशान है। शुक्रिया, सुनकर खुशी हुई। हम अपने मुकद्दस मकसद तक जरूर पहुंचेंगे। मैं दरअसल इसी के लिए जख्मी हुआ, ताकि अपने मकसद को पूरा कर सकूं। इंशाल्लाह। गेहातू ने आपको सराय में बचाया था, क्या यह सच है? गैर मुल्की से मदद लेने के बजाय मैं अपने ही लोगों से मार खाना पसंद करूंगा। नहीं चाहिए मुझे मंगोलों से मदद। इस सरजमीन को हम उनके जुल्म से बचाना चाहते हैं, समझे? हमारा मकसद है कि मुगलों और काफिरों को शिकस्त दें और एक अजीम रियासत बनाएं, जैसा कि अलाउद्दीन केकुबाद के जमाने में था। उस्मान का मकसद भी यही है शायद। उस्मान साहब एक अजीम शख्स हैं, मगर वो एक छोटा आदमी है। रियासती मामलात में क्या वो तालीम याफ्ता है? उसके आबाओ अजदाद चरवाहे थे, वो रियासत नहीं बना सकता। वो एक सरदार है, बाकी उसकी कोई ख्वाहिशात नहीं। उसे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। हम उसे मजीद अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे जल्द से जल्द खत्म करना होगा। अगर वो मेरे सामने झुक जाता। तो मैं उसे फौज का कमांडर बना देता। अभी वो एक काबिले रहम आदमी है जो मारा जाएगा। मेरा बेटा और हान, मेरा रब मुझे वो दिन देखना नसीब करे और हान जब घोड़े पर सवार होकर तलवार उठाएगा। आमीन। ऐसा बहादुर, ऐसा दिलेर बनना जो हक का साथ देते हुए हर हद से गुजर जाता है। आमीन 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 आमीन। बताओ तुम क्या सोच रहे हो? तुम शायद ये सोच रहे होगे कि ये लोग कबीले में क्यों नहीं है। उस वजीर जैसे मुनाफिक के बारे में तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को हर चीज बताऊंगा। उन्होंने खून खराबा करवाया इससे पहले दो भाइयों का, जो कि अभी तक जारी है, और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। उनके चेहरे, उनके नाम बदल जाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी गद्दारी नहीं बदलेगी।
बेटा, चारों अतराफ दुश्मन ही दुश्मन फैले हुए हैं। मगर ये जो दिलेर है, ये है तुम्हारे भाई जो तुम्हारे साथ खड़े होंगे, और कोई भी हरा नहीं सकेगा तुम्हें। ये मुकद्दस रियासत इंशाल्लाह ओरहान के कंधों पर होगी। इंशाल्लाह मेरे हुजूर। सिपाहियों, कल हम जंग पर जाएंगे। वजीर और गेहातू को रोकना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे आपका हुक्म मेरे सरदार। जैसे आपका हुक्म सरदार। आप जो भी करना चाहते हैं बताएं मुझे। कैसे हैं गुंडू साहब?